Hello friend, welcome to my YouTube channel Built On. Friend, आज मैं SSC MTS 2017 की expected cut off क्या रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन cut off बताने से पहले जानना पड़ेगा cut off किस तीन पॉइंट पर वेरी करता है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ कैंडिडेट. इस बार SSC MTS में करीबन 70 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, लेकिन अटेंडेंस 50% के करीब ही था. सेकंड क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल. इस बार SSC MTS का क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल जो था एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का था. और थर्ड, वैकेंसी. इस बार SSC MTS में वैकेंसी अगले बार की तुलना में ज़्यादा था. इन तीन पॉइंट के ऊपर ही कट ऑफ निकाला जाता है. चलिए देखते हैं इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है. लेकिन पहले जान लेते हैं SSC MTS जो कट ऑफ निकालता है वो स्टेट वाइज रीजन वाइज निकालता है. लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको कट ऑफ बताऊँगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊँगा. चलिए जो ओवरऑल कटअप बताऊंगा मैं आपको. चलिए देखते हैं ओवरऑल कटअप क्या रहने वाली है जो एवरेज से निकाला गया है. इस बार जनरल का कटअप 100 टू 115 के बीच रहेगा, एससी का 95 से 105 और एसटी का 85 से 95. ये ओवरऑल कटअप मैंने बताया है. यही देखेंगे कटअप हाई रहने वाली है दिल्ली तथा यूपी में. इस बार यूपी बिहार में कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है. और अदर साइड में चले जाइए जैसे गुजरात महाराष्ट्र में कट ऑफ थोड़ा लो होगा. इसके ऊपर ही कट ऑफ वेरी करता है. अलग अलग स्टेट पे अलग अलग कट ऑफ निकलता है. लेकिन जहाँ पर वैकेंसी थोड़ा कम है वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा होगा, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा लो होगा. Friend, thank you for watching this video. Please like.